दोस्तों आप किसी भी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो और एकदम 4K में कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल तरीका है, आपको एलाइट मोशन ऐप से इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं इसी का आज ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि कैसे किसी भी वीडियो को क्वालिटी बढ़ा सकते हो और HDR में कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन में एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना होगा। दोस्तों एलाइट मोशन ऐप ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर से अपनी किसी भी साइज को सेलेक्ट कर लेनी है। जिस साइज का आपका वीडियो है उस साइज को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको सिंपली से इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेनी है। वीडियो सेलेक्ट करने के लिए ऊपर में जो मीडिया वाला ऑप्शन है तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से अपनी वीडियो को ऐड कर लेनी है। तो दोस्तों हमने इस वाली वीडियो को ऐड कर ली है, तो इसी वीडियो पर वो इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो इसमें अभी उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, एकदम बकवास क्वालिटी है, नॉर्मल सा जैसा रहता है वैसा ही है। तो इस वीडियो को हम लोग 4K करने वाले हैं। तो अभी आपको सिंपली से दोस्तों इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है, और इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद हम लोग यहाँ से इस शेप को अच्छे तरीके से जूम करके अपने पूरे फिट स्क्रीन में अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद इसको रेड कलर करना है। तो रेड कलर करने के लिए यहाँ से इस कलर एंड फिल पर क्लिक कर देना होगा, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको दोस्तों इसको रेड कलर के तरफ ले जाना है खींच के। आपको इसमें रेड कलर दिख रहा होगा यहाँ पर से, तो यहाँ पर है हमारा रेड कलर, तो इसको यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो हमारा रेड कलर जो है हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो यहाँ से भी आप खींच के कर सकते हो। तो दोस्तों रेड कलर कर लेने के बाद आपको यहाँ से एक बार बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद दोस्तों आपको इसको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और अभी आपको थोड़ा सा नीचे कर देना है। थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको यहाँ एक डिफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस डिफरेंस के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको तीसरे नंबर पर सब्सक्रैक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस सब्सक्रैक्ट वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको एक बार बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको सिंपली से दोस्तों इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इस ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में चले जाना है, और मैं कुछ इफेक्ट बताने वाला हूँ उसको आपको सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले आपको कॉपी बैकग्राउंड सर्च करना है। दोस्तों फर्स्ट में ही मिलेगा, आप कॉपी बैकग्राउंड सर्च करोगे तो सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेटिंग वाला ऑप्शन खुल के आएगा, तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ से एक बार बैक कर देना है, और फिर से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इस ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। फिर से आप लोग सर्च बार में चले जाना, और सर्च बार में जाने के बाद इस बार आपको गॉसियन ब्लर सर्च करना है। तो दोस्तों गॉसियन ब्लर सर्च करते ही आपको फर्स्ट में ही मिलेगा ये वाला इफेक्ट। तो दोस्तों इस वाले इफेक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको फिर से दोबारा में इस स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको फिर से इस ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और फिर से दोस्तों आपको सर्च बार में चले जाना है, और ये लास्ट इफेक्ट को आपको सर्च कर लेना है जिसका नाम है एक्सपोजर गामा। तो दोस्तों सर्च करते ही आपको फर्स्ट में मिलेगा, तो दोस्तों इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपको यहाँ से इस गॉसियन ब्लर को आपको एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपली से दोस्तों आपको एक बार इस पर टैप कर देना है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट खुल के चली आएगी, तो इसकी स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा लेना है। तो मैं इसको बता देता हूँ, आपको 0.300 के आसपास रख लेना है, और 0.300 के आसपास रख लेने के बाद आपको यहाँ पर से एक बार बैक चले जाना है, और यहाँ से बैक जाने के बाद आपको इस एक्सपोजर गामा को एडजस्ट करना है, तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है, और ऊपर में जो एक्सपोजर है इसको आपको कम कर लेना है, तो इसको -0.26 के आसपास रख लेना है, और उसके बाद नीचे सबसे ऑफसेट वाला ऑप्शन है तो इसको आपको एडजस्ट करना है, तो इसको आपको कम कर लेना है, तो -0.45 के आसपास आप रख सकते हो, अपनी वीडियो के हिसाब से इसको रख लेना, और उसके बाद आपको सिंपली से इतना कर लेने के बाद स्क्रीन पर एक बार टैप कर देना है। तो अभी आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कम ब्राइटनेस देखने को मिल रही होगी, तो अभी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए इस प्लस के बटन पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ से इस वाले शेप को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों शेप जैसे सेलेक्ट होगा उसके बाद इसको अच्छे तरीके से जूम कर लेंगे, और जूम कर लेने के बाद दोस्तों यहां से इस कलर एंड फिल पर क्लिक कर देंगे। कलर एंड फिल पर क्लिक कर देने के बाद यहां से आपको इस वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है, और वाइट कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहां पर से एक बार बैक कर देना है, और अभी आपको फिर से इस ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको थोड़ा सा नीचे करना है, तो यहाँ एक कॉन्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और फर्स्ट में ओवरले वाला ऑप्शन है तो इस पर भी आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी देख सकते हो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा क्वालिटी आ चुकी है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो दिखा देता हूं कि हमारी वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा और अल्ट्रा HD वाला क्वालिटी आ चुका है, 4K में है दोस्तों वीडियो। अभी मैं इस बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूं,
तो दोस्तों थोड़ा सा इधर करते ही देख सकते हो हमारी वीडियो ये पहली वाली है, इसमें अच्छा उतना क्वालिटी नहीं है, एकदम बकवास क्वालिटी है। और इधर देख सकते हो ये अल्ट्रा HD 4K में क्वालिटी है, तो आपको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा इस वाली क्वालिटी को। तो आप इसी तरीके से किसी भी वीडियो पर आप इस तरीके की क्वालिटी को ऐड कर सकते हो। अब इस पूरी वीडियो में इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, तो वीडियो के सबसे अंत में चले जाना है और यहाँ से सभी लेयर को बारी बारी से मार्क कर लेना है, और मार्क कर लेने के बाद इस वाले निशान पर क्लिक कर देना है। इससे आपकी इफेक्ट जो पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद इस वीडियो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए ऊपर में जो निशान देख रहे हो इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद आपको दोस्तों नीचे एक्सपोर्ट वाला बटन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो सेव हो रही है, तो दोस्तों वीडियो सेव हो जाती है तब मैं इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों वीडियो सेव हो चुकी है, अब यहाँ पर से इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों काफी ज्यादा 4K में क्वालिटी हमारा हो चुका है, पहले की वीडियो में और इस वीडियो में काफी ज्यादा अंतर है। तो दोस्तों इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना।